हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फातिमा के ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज देखिए, काफ़ी दिनों बाद मैंने ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग डाल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी रमज़ान थे, रमज़ान में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फ्री हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ब्लॉग अपलोड करूँ। आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ एक जगह जहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, अलग अलग। आपको चाइनीज़ भी मिल जाएगा वहाँ पे, उसके बाद आपको साउथ इंडियन भी मिल जाएगा, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। अभी तो अभी हम रास्ते में ही हैं। न्यू मार्केट में है वो जगह, जो न्यू मार्केट में अपन जैसे ही ऊपर जाते हैं न्यू मार्केट साइड, और जो बेतवा अपार्टमेंट है जिसमें निक्की बाबा सैलॉन है, बिल्कुल बस वहीं उसके जस्ट पीछे बहुत सारे फूड ट्रक्स लगते हैं। वहाँ पे अलग अलग टाइप के स्ट्रीट फूड मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी आपको। आपको साउथ इंडियन में इडली डोसा सारी चीज़ें मिल जाएंगी, देन उसके बाद आपको चाइनीज़ में भी बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, नूडल्स, फ्राइड राइस और मंचूरियन, बहुत सी चीज़ें। और उसके अलावा आपको वहाँ पे मोमोज़ मिल जाएंगे, एक जो मेरा फेवरेट स्पॉट है वहाँ पे मोमोज़ के लिए, संतोष चाइनीज़। वहाँ पे बहुत ही अच्छे मोमोज़ मिलते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चिली मोमोज़ वहाँ के बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बहुत ही मतलब अच्छा टेस्ट होता है, आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करें एक बार। अभी देखें, हम VIP पे हैं, जस्ट बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपको शॉप का दिखाऊँगी, कौन सी शॉप है वो। एक्चुअली शॉप भी नहीं है वो, ऐसी फूड वैन टाइप की है। तो आइए लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ की अलग अलग चीज़ें। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे सारे फूड ट्रक्स लगते हैं। ये देखिए संतोष चाइनीज़ जो है, और उस पर ये भैया रहते हैं, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये इनके तो बहुत ही अमेजिंग सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे इनके मोमोज़ पसंद हैं, इनके मोमोज़ और वेज बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये देखिए, ये चिली मोमोज़ हैं, और मतलब आप ये खा लेते हैं तो बस आपका पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता। ये देखिए, उन्हीं के यहाँ के वेज फ्राइड राइस हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट होता है इनका, बहुत ज़्यादा यम्मी होते हैं। ये देखिए, आप थोड़ा आगे आएंगे तो ये बादाम शेक मिलता है। देखिए, बादाम शेक है हमारा, ये भी हमारा बादाम शेक। ये पुराने वाली मेरी वीडियो है, वो मैंने इसमें डाल दी आपको दिखाने के लिए। मेवार सोडा वाला खड़ा होता है उसके साइड में। देखें, ये आइसक्रीम कुल्फ़ी, बालाजी आइसक्रीम कुल्फ़ी जो लिखा है, इनके मिलता है ये बादाम शेक। और ये देखें, उन्हीं के यहाँ के ये संतोष चाइनीज़ के फ्राइड मोमोज थे। देखें, पाव भाजी भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और उसके अलावा ये देखें, सैंडविचेस के लिए भी एक वहाँ पे शॉप है जिसका नाम याद नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छे सैंडविच मिलते हैं, चीज़ एंड कॉर्न सैंडविच हैं ये, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इन सैंडविचेस का। और देखिए, मैंने अपनी पुरानी पिक्चर्स भी शेयर कर दी हैं सैंडविचेस की, जो मेरे पास थी मेरे फ़ोन में। आप लोग ज़रूर विज़िट करें, जस्ट बेतवा अपार्टमेंट के बिल्कुल पीछे, जस्ट पीछे ये सारे फूड वैन्स लगते हैं न्यू मार्केट में। और ये देखें, संतोष चाइनीज़ की वेज बिरयानी, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, बहुत अच्छी स्पाइसी होती है, जैसे हाइजीन भी मेंटेन करते हैं वो लोग। और आप लोग चाहें तो बाहर भी बैठ के खा सकते हैं, वरना मैं तो कार में बैठ के खाना प्रेफर करती हूँ, आराम से कार में बैठ के ऑर्डर। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, लव यू, बाय।